नमस्ते, बहुत स्वागत देसी भारत चैनल पर आपका। मैं हूँ धर्म दुबे। कुछ कहूँ उससे पहले इस वीडियो को देखें। बहुत ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे, कॉपीराइट और स्ट्राइक जैसी चीजों का मामला आता है, लेकिन गाने का टाइटल सॉन्ग है खई के पान बनारस वाला। इतना फेमस गाना है ये कि जिसे हर कोई सुपरस्टार खुद पर फिल्माना चाहता है। महानायक अमिताभ बच्चन का गाना खई के पान बनारस वाला डॉन फिल्म में आपने देखा ही होगा। ये गाना इतना ज्यादा चर्चित हुआ कि इस गाने का ही फिर सेकंड पार्ट रूपांतरण के तौर पर बनाया गया। बॉलीवुड के किंग कहे जाते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान ने भी खई के पान बनारस वाले गाने की रिमिक्स बनाई और अपने डॉन फिल्म में उसे फिल्माया। अब ये गाना बॉलीवुड से चलता हुआ भोजपुरी सिनेमा जगत तक आ चुका है। जी हाँ, आपको जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर हैं रितेश पांडे। उन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फ़ोटो शेयर की थी। ये बताया था कि आज सुबह 11 बजे के आसपास टीज़र रिलीज होगा खई के पान बनारस वाला गाने का, और वो टीज़र रिलीज हो गया है जिसे हमने आपको दिखाया भी। बहुत ही लाजवाब केमिस्ट्री इस समय हम देख पा रहे हैं रितेश पांडे की। अलग ही तरह का गाना, छोटा सा टीज़र, लेकिन देखते देखते लोगों ने इतना ज़्यादा इसे पसंद किया कि आपको क्या बताएं। 66,000 के आसपास दोस्तों अब तक इस गाने को व्यूज़ मिल चुके हैं। 7,200 के आसपास लाइक मिल चुके हैं और अब तक 800 के आसपास कमेंट आ चुके हैं। हर कोई रितेश पांडे की आवाज़ के साथ साथ खई के पान बनारस वाला भोजपुरी वर्जन की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है। गाना रिलीज कब होगा इस बात का जिक्र अभी नहीं दिया गया है, लेकिन आपको बताएं कि सारेगामा भोजपुरी हम म्यूजिक चैनल पर इस टीज़र को रिलीज़ किया गया है, तो जाहिर है कि गाना भी इसी चैनल पर रिलीज़ किया जाएगा। पूरी टीम के बारे में जाते जाते आपको बताते चलें कि इस गाने को गाया है इस गाने को गाया है रितेश पांडे ने। श्वेता महारा और रितेश पांडे ने एक्टिंग की है। श्वेता महारा वही हैं जो हाल ही में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ में 3 गाने दे चुकी हैं। म्यूजिक आशीष वर्मा का है और अरेंज हैं बादल खान, लिखा है जेडी बहादुर ने, डायरेक्टर हैं संजू, कोरियोग्राफर हैं लक्की विश्वकर्मा, डीओपी हैं वेंकट महेश, एडिटर हैं सनी सिन्हा एंड ऋषु सिंह, प्रोडक्शन का काम संभाला आनंद कुमार संटू ने, पोस्ट प्रोडक्शन 3 स्टूडियो मुंबई के तहत है। गाना कब रिलीज होगा इस बात का जिक्र अभी नहीं, लेकिन हम सभी को है बेसब्री से इंतजार। कुछ कहना चाह रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहे हमारे साथ। नमस्ते।